दोस्तों नमस्कार, मैं सरिता झा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे, जहाँ आज हम बातें करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास टॉपिक जो आप सबको, हम सबको बेहद पसंद है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बातें करने जा रही हूँ भोजन यानी कि खाने की बातें। और खाने का नाम सुन के हम सबके मुंह में पानी आने लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जिसके साथ हमारी बहुत सारी मेमोरी, बहुत सारी हैप्पीनेस जुड़ी हुई होती है। एंड सच कहें तो खाना तो एक जीवन का आधार है। और कहा जाता है कि अक्सर पुरुषों के दिल तक पहुंचने का रास्ता उनके पेट से होके गुजरता है। तो खाने को लेके बहुत सारी चीजें हैं, और खाना ही वो खास चीज है जिसे हर माँ बहुत ही प्यार से, हर स्त्री बहुत ही प्यार से अपने घर में बनाती है अपने उन खास लोगों के लिए जिनकी बेहतरी हम सब चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार जिंदगी में जब खाने के कुछ निगेटिव इफेक्ट के बारे में हम बातें करें, तो आप देखोगे कि कई सारे लोगों को किसी खास फूड से एलर्जी होती है, किसी को कितना भी खा ले कुछ पचता नहीं है, किसी को जो उसकी फेवरेट फूड होती है वो खाते ही उसका पेट फूलने लगता है। सो फूड एलर्जी, पेट का फूलना, गैस का बनना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो खाने की वजह को किरकिरा कर देती है और हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से काफी निगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो खाने की साइकोलॉजी के बारे में समझना निहायत ही जरूरी है, बिकॉज इसकी एनर्जी का बहुत ही गहरा संबंध होता है हमारी लंबी उम्र से, हमारी एनर्जी से, हमारे हेल्थ से। और साथ ही साथ जो बीमारियां हमारे जीवन में आती है उनसे बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध होता है कि हम जो खाना ले रहे हैं उसकी साइकोलॉजी क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम बातें करते हैं आज खाने की साइकोलॉजी को लेकर के। अक्सर वो खाना जिसे हम ये सोचकर अपने घर में घर वालों को, बच्चों को खिलाते हैं कि ये खाना इन्हें स्ट्रेंथ देगा, इन्हें ताकतवर बनाएगा, वही खाना उनको बीमार कर देता है, वही खाना उनको एलर्जी दे देता है, वही खाना जिसे प्यार से एक माँ घर में बनाती है, वही खाना जो बहुत प्यार से बनाया गया है आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है एंड साथ ही साथ आपके हीलिंग इंटेलिजेंस को मार सकता है। सो खाने की साइकोलॉजी को समझने से पहले आज मैं आपके साथ बातें करूंगी थोड़ी सी प्लेसिबो को लेकर के। प्लेसिबो एक ऐसी अवस्था होती है हमारे माइंड एंड बॉडी की, जहाँ पे हमारी बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल और हार्मोन तीनों एक साथ अचानक एक ऐसी अवस्था को अडॉप्ट कर लेते हैं जब हम ठीक होने लगते हैं। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। अगर ये प्लेसिबो हमारे मन और शरीर के अंदर हो तो ये कैंसर के फोर्थ स्टेज की बीमारी को भी ठीक कर सकती है। और प्लेसिबो का जस्ट अपोजिट होता है नोसिबो। और ये वो अवस्था है जब आप बढ़िया से बढ़िया खाना, हेल्दी से हेल्दी खाना, बढ़िया से बढ़िया च्यवनप्राश, शिलाजीत सब खा रहे हैं, लेकिन कुछ भी आपको नहीं लगता, ना तो खाने से और ना ही दवाओं का असर आपके शरीर पे पड़ता है, और उस अवस्था को हम कहते हैं नोसिबो। जब प्लेसिबो नोसिबो में कन्वर्ट हो जाता है तो महज एक रात में, ओवरनाइट, आपके सर के जितने बाल हैं वो सारे के सारे व्हाइट हो जाते हैं। सो इतना बैड इफेक्ट पड़ता है नोसिबो का हमारे मेंटल, हमारे फिजिकल अवस्था पे। दोस्तों, दुनिया में किसी भी वायरस का नाम हम ले लें जिससे जिसका नाम सुनते ही हम डर जाते हैं, चाहे वो कैंसर सेल्स हो, आपका इबोला हो, कोरोना हो, ट्यूबरक्लोसिस हो, कोई भी वायरस हमारी इम्यूनिटी से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता। इनफैक्ट हमारी इम्यूनिटी इन सारे वायरसेस से 10,000 से 1,00,000 गुना ज्यादा स्ट्रांग होती है। फिर ऐसा क्यों होता है कि कोई वायरस आके हमारी पूरी इम्यूनिटी को तबाह करके चला जाता है? बट ध्यान देने की बात यह है कि इसमें रोल उस बैक्टीरिया का नहीं होता, सच्चाई ये है कि इसमें रोल हमारा होता है, और इस चीज का एक बहुत गहरा संबंध होता है हमारे खाने के साथ। तो आइए समझते हैं कि क्यों ये जो हमारी इम्यूनिटी है ये क्यों वीक पड़ती है। बेसिकली हमारी इम्यूनिटी हमारे हर थॉट के साथ बात करती है। जब हमारे दिमाग में कोई निगेटिव थॉट चल रहा होता है तो हमारी इम्यूनिटी इसे ले लेती है और तीन तरीके से इसके ऊपर वो रिएक्ट करती है। या तो जो भी थॉट्स हमारे चल रहे हैं उसके ऊपर हमारी इम्यूनिटी सप्रेस हो जाती है, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक कर देते हैं, या वो ओवर रिएक्ट करती है जिससे हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी एलर्जी आनी शुरू हो जाती है, या फिर वो कंफ्यूज हो जाती है और तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आनी शुरू हो जाती है। 1904 में डॉक्टर पेवलोव ने एक रिसर्च किया था जिसमें उन्होंने कुत्तों को मीट दिया
और कुत्ते उस मीट को देखते रहे। उस मीट को देखते ही उनके मुंह से लार टपकना शुरू हो गया और जैसे ही उनके मुंह से लार टपका, डॉक्टर पेवलोव ने घंटा बजा दिया। इस प्रोसेस को वो लगातार 3 से 4 दिन करते रहे और एक दिन उन्होंने क्या किया, कुत्तों को खूब खाना खिलाया, बिल्कुल उनका पेट भरा हुआ था, उनके आगे मीट फिर भी रखा हुआ था। डॉक्टर पेवलोव ने जैसे ही घंटा बजाया, उन कुत्तों ने अपनी आंखों को खोला और उनके मुंह से लार टपक गया, मानो वो बहुत भूखे हो, जबकि ऐसा नहीं था, वो भूखे नहीं थे। जब भी डॉक्टर को कुत्तों के मुंह से लार टपकवाना होता था तो पहला वो डॉक्टर कुत्तों को मीट दिखाता, उससे भी उनके लार टपकते क्योंकि वो भी उनका एंकर था, एंड दूसरा वो जब घंटा बजाते तो भी कुत्तों के मुंह में लार आ जाती थी क्योंकि ये दोनों ही चीजें उन कुत्तों के लार टपकने का एंकर ऑलरेडी बन चुका था। अब जब हम खुद के बारे में सोचते हैं तो जब भी किसी लजीज खाने के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि उस लजीज खाने का हमारे माइंड एंड बॉडी के साथ एक गहरा संबंध होता है और वो खाना हमें इतना पसंद होता है, वो ट्रिगर हो चुका होता है। उस स्वादिष्ट खाने को देखते ही हमें वो स्वाद याद आ जाता है और हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। ये खाना जो कि बिल्कुल अमृत होता है, अब इस खाने का अमृत और जहर बनने में क्या संबंध है? अब देखिए, जैसे हम कोई थॉट क्रिएट करते हैं, वो थॉट नेगेटिव हो सकता है, हमें पैसे की समस्या हो, हमारी नौकरी में कोई परेशानी चल रही हो, ये थॉट हमने क्रिएट किया। अब इस थॉट की वजह से हमारे अंदर बेचैनी हो सकती है, हमारे अंदर एक फियर का फीलिंग आ सकता है, हमारे अंदर एंग्जाइटी हो सकती है, और ये एंग्जाइटी जब पीक पे जाएगी, ये बेचैनी जब पीक पे जाती है तो हमारी इम्यूनिटी 3 तरीके से रिएक्ट करती है। सबसे पहला जो रिएक्शन होगा, हो सकता है कि हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज हो जाए, और जब हमारी इम्यूनिटी कंफ्यूज होती है तो वो हमारे ही शरीर को मारने का काम शुरू कर देती है। जब हमारी इम्यूनिटी हमारे बालों के जड़ों को मारना शुरू कर देती है तो एलोपेसिया होता है। जब हमारे थायराइड ग्लैंड को मारना शुरू करती है तो थायराइड हो जाता है हमें। जब आपके जोड़ों को मारती है तो आर्थराइटिस होता है। और यही कंफ्यूजन, ये जो इम्यूनिटी हमारी जब कंफ्यूज होती है और हमारे स्किन को मारनी शुरू कर दे तो सोराइसिस हो जाता है। अब हमारी इम्यूनिटी दूसरा तरीका जो अपनाती है वो ओवर रिएक्ट का है। जब ये ओवर रिएक्ट हो जाता है तो ये आपको एलर्जी देगी, आपको छींकें आनी शुरू हो जाती है और आपकी स्किन में रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। तीसरी, जब हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो सप्रेस होकर ये कैंसर का रूप ले लेती है क्योंकि आपके अंदर एक फियर चल रहा है और उस समय आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल सप्रेस हो गई है। अब मानो जब आपका फियर बिल्कुल हाई पे है, पीक पे है, उस समय आपने खाना खाया, डिनर किया, और डिनर के बाद आपने च्यवनप्राश खाया, तो च्यवनप्राश आपने इसलिए खाया कि उससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, आपको और ताकत मिले, एनर्जी मिले, लेकिन आपका फियर उस समय पीक पे था और आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हो गई उस समय, तो च्यवनप्राश का आपकी सप्रेस इम्यूनिटी के साथ एक एंकर बन गया। अब भले ही वो फियर खत्म हो जाएगा लेकिन जब जब आप च्यवनप्राश खाएंगे आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी और आपकी बॉडी में परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। हमारी बॉडी और माइंड की साइकोलॉजी के कारण ये च्यवनप्राश अब हमारे लिए जहर बन गया, जिसे हमने खाया इसलिए कि वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारा माइंड काम कैसे करता है। सपोज करें किसी मोमेंट में आप फियर में थे और उस फियर में आपने मिस्सी रोटी खा ली, मिस्सी रोटी जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन चूंकि आपने फियर में वो खाई उस समय आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज थी और कंफ्यूज इम्यूनिटी कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी अंग पे अटैक करेगी ही करेगी क्योंकि वो ऑलरेडी कंफ्यूज है। अब भले ही आपके बॉडी का फियर चला गया हो लेकिन जब जब आप मिस्सी रोटी खाएंगे ना तो आपकी बॉडी बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी जब आपने मिस्सी रोटी खाई थी और आपकी इम्यूनिटी कंफ्यूज थी तो उसने जो अटैक किया था। आपकी बॉडी का वो प्रॉब्लम खत्म हो जाता है लेकिन ये जो एंकरिंग है ये एंकरिंग बनी रहती है। मिस्सी रोटी अब आपकी बॉडी के लिए इम्यूनिटी सप्रेस होने का एंकर बन गई। तो दोस्तों, अगर आप अपने खाने की इन एलर्जीज से बचना चाहते हैं और अपने खाने से सही एनर्जी पाना चाहते हैं, अपने खाने को ताकतवर और अमृत बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि जब भी आप खाना खाएं तो आपकी मानसिक अवस्था बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। आप जब खाना खाएं तो ये ध्यान रखिए कि खाना खाते समय आपके पास कोई फियर लेकर के आप ना बैठे,
उस समय आपके दिमाग से हैप्पीनेस के केमिकल्स निकलने चाहिए, कोई फियर का केमिकल नहीं निकलना चाहिए। अगर आप पीक पे जा रहे हैं और उस समय आपके खाने के साथ फियर का केमिकल निकल रहा है तो खाना बिल्कुल वैसा ही रेस्पॉन्ड करेगा, और अगर आप पीक पे जा रहे हैं और हैप्पीनेस के केमिकल्स निकल रहे हैं तो खाने का रेस्पॉन्ड बिल्कुल वैसा ही निकलेगा। सो, आपके मानसिक स्थिति का आपके खाने से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। खाना खाते समय कई बार होता है कि हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते कोई वैसे डर की चीजें आ जाती है या दुख की चीजें आ जाती है, तो जिन चीजों के साथ आप उस खाने को खा रहे हैं और जो केमिकल्स निकल रहे हैं वही रिस्पॉन्ड आपकी बॉडी आपके खाने के साथ करना शुरू कर देती है। सो दोस्तों, अब समझना ये है कि आखिर खाना हमें खाना कैसे चाहिए। जब भी हम खाना खाएं तो हमें कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहना है, कोई एंजाइटी लेके नहीं खाना है, और फियर तो हमारे पास होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज जब आप फियर के साथ खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी उस फियर को ले लेती है और बॉडी कई बार अपना माइंड खुद बना लेती है। और दैट्स वाई जब आप किसी बढ़िया खाने को भी उस फियर के साथ खा रहे हैं तो बैड स्टेट में चले जाते हैं आप, और उस बैड स्टेट में जब आप उस खाने को खाते हैं तो आपके बॉडी का बैक्टीरिया का मूड खराब हो जाता है, जिस वजह से बढ़िया खाना कई बार आपको एसिडिटी दे सकता है, कई बार आपका पेट फूल सकता है, और ये बढ़िया खाना भी आपके लिए जहर हो जाता है, क्योंकि ये बेहतरीन खाना आपके बैड मूड के साथ ट्रिगर हो चुका होता है। तो अब हमें करना ये है कि हम जब जब खाना खाएंगे अपने खाने के साथ थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन डालेंगे। कहते हैं ना, जहां जहां ध्यान जाता है वहीं वहीं ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। सो, क्यों ना हम जब खाना खाते हैं तो एवरी डे को हम डिसाइड कर लें, लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और हर दिन अपनी बॉडी के किसी खास पार्ट को हम ब्लेस करें खाते के साथ। सो, मान लो कि मंडे है, मंडे को जब हम खाना खाएंगे तो खाने के साथ हमें एक विजुअलाइजेशन, एक प्रेयर करनी है। 50 सेकेंड्स का हमें वक्त देना है खाना खाने से पहले, और अपने खाने को हम टेलीकिनेसिस देंगे, यानी खाना शुरू करने से पहले थोड़ी देर उस खाने को देखेंगे और एक प्रे करेंगे कि ये खाना मेरी पूरी हेल्थ को, और खासकर जैसे मंडे है तो मंडे को मान लो आपने अपने हेयर के लिए प्रे किया, तो आप ये विजुअलाइज करेंगे कि इस खाने का जो जूस है वो आपके हेयर के जड़ों को मजबूत कर रहा है और आपके हेयर को ग्रो करेगा। सो, इस तरीके से हम एक दिन अपने हेयर को दे सकते हैं, ट्यूसडे को अपनी किडनी को दे सकते हैं, फुल हेल्थ एंड किडनी के ऊपर बातें करेंगे, किसी दिन स्टमक की बात करेंगे, किसी दिन जोड़ों की बात करेंगे, किसी दिन आइस के बारे में, आइस को प्रेयर देंगे। सो, इस तरीके से हर दिन अगर हम अपने खाने को टेलीकिनेसिस दें और खाने के साथ प्रेयर करें, थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाएं, तो आप देखेंगे कि आपका खाना बिल्कुल अमृत हो जाएगा, बिकॉज वो आपकी विजुअलाइजेशन के साथ वो एंकर हो रहा है, और जब जब आप खाना खाएंगे तब तब आप खुद को हील करेंगे, बिकॉज आपकी एक हैबिट हो गई है कि जब जब आप खाना खा रहे हैं आप अपने बॉडी को, अपने हेयर को, अपने हार्ट को, अपने लंग्स को, अपने जोड़ों को, सबको ब्लेस कर रहे हैं। तो ये जब एक हैबिट में आ जाता है ना तो आपका माइंड इसको लेने लगता है और आपकी इम्यूनिटी इसके ऊपर काम करनी शुरू करती है। उसके बाद आप जब जब खाना खाएंगे तब तब आप अपनी बॉडी को हील कर रहे होंगे और आप स्वस्थ हो रहे होंगे। ये सबसे बड़ा सच है कि जहां जहां हमारा ध्यान जाता है वही ऊर्जा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम अपने हर खाने के साथ अपने हेल्थ को ध्यान करें, अपने हेल्थ को, गुड हेल्थ को विजुअलाइज करें, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी हील होनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब भी आप कोई थॉट लेते हैं उस थॉट के ऊपर आपकी इम्यूनिटी और आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। सो, इस तरीके से दोस्तों आप अपने खाने से ही अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं और अपने खाने को आप अमृत में तब्दील कर सकते हैं और एक बेहतर स्वास्थ्य हम सबों के हिस्से आ सकता है। सो, आई होप आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड डेफिनेटली इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज हमारी एक छोटी सी कोशिश कई लोगों की हेल्प कर सकती है, कई लोगों के हेल्थ को अच्छे करने में उनकी मदद कर सकती है। सो, चलिए एक मिशन के साथ काम करें, एक बेहतर इंसान बने, कॉन्ट्रीब्यूट करें इस यूनिवर्स को और इस धरती को एक बेहतर जगह बनाए। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।